के मुद्दे पर राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में फिलहाल एक जन सम्मेलन और फिलहाल उससे संबोधित कर रहे हैं मंत्री महेश जोशी। क्या कुछ कह रहे हैं आप ही सुनिए। जिस मुद्दे पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी का को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने ज्वलंत और सामूहिक मुद्दे पर आज आपने सम्मेलन का आयोजन करके राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शुरू करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के इशारे पर उनके विभाग के अधिकारी ने जिस प्रकार से पत्र लिखा है कि हम इस परियोजना पर काम नहीं करें, आपने एक चुनौती दी। आपने राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक आह्वान के तौर पर यहां याद किया पूर्व राजस्थान की। मैं टेक्निकल बातों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मालवीय जी ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं आपके सामने यह जरूर कहना चाहता हूं कि 2017 में डीपीआर बनकर केंद्र सरकार को जाती है, जुलाई 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आते हैं और ईआरसीपी का जिक्र करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 6 अक्टूबर 2018 को फिर अजमेर में आते हैं और 2.5 मिनट तक ईआरसीपी का जिक्र करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी के लिए कहा एक शब्द एब्सेंट पाएंगे, बिल्कुल सही काम एब्सेंट पाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी यहां अगर कोई बात कहे 2.5 मिनट तक किसी विषय पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा? और अगर मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, तो मैं एब्सेंट माइंडेड हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में 2.5 मिनट तक कोई विषय पर बोलते हैं, एक विषय में 2.5 मिनट बोलते हैं और पूरा विवरण देते हैं। 40% राजस्थान की आबादी लाभान्वित होगी, 13 जिलों की प्यास बुझेगी, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। हम इसके बारे में सकारात्मक रुख रखेंगे, हम संवेदनशीलता से निर्णय करेंगे। कहां गई सकारात्मकता, कहां गई संवेदनशीलता? किसी देश के प्रधानमंत्री की, किसी सरकार की यह संवेदनशीलता होती है कि 2018 के बाद से अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश